जनपद चंदौली में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, चूँकि 6 प्लांट पहले से संचालित हैं, इसके अतिरिक्त सीएससी और जिला अस्पतालों में हमारे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, उसके लिए माननीय जनप्रतिनिधियों में माननीय सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी ने 2 ऑक्सीजन प्लांट जनरेटर दिए हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय विधायक जो आज भगवारा में हम लोगों ने सीएससी में 45 LMP का एक ऑक्सीजन जनरेटर MLA लैड से दिया हुआ है, जिसका कि आज शुभारम्भ किया गया है। कोविड की जो द्वितीय लहर थी उसका प्रकोप जनपद में कम हुआ है और जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो 600 के आसपास रह गए हैं। इसके अतिरिक्त जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। तो ये जो हमारी तीसरी लहर की बात की जा रही है, उसकी तैयारी के लिए जो एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ हैं CSC हैं, उनको 4 CSC को हम लोगों ने चिन्हित किया है, भगवारा, धानापुर, नौगढ़ और मेढ़ी। तो इनमें हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ साथ जो पर्याप्त मैन पावर का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, जो बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए भी तीसरी लहर आ रही है, उसके संबंध में पीडियाट्रिक्स की एक कमेटी बनाई गई है जो कि ज़रूरी आवश्यक उपकरणों का को चिन्हांकित करते हुए उनकी हम लोग परचेस भी करेंगे और इसके अतिरिक्त डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी करेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति से हम लोग उससे निपट सकें। सर, ब्लैक फंगस की बात आ रही है तो क्या अपने यहाँ कोई चिन्हित हुआ है, और अगर ब्लैक फंगस का कोई मरीज मिलता है तो उसके लिए किस तरह से प्रशासन की तैयारी है? जनपद में चूँकि ब्लैक फंगस के केस पाए गए हैं, अभी 2 केसेस पहले पाए गए थे जिनको कि BHU रिफ़र किया गया था, चूँकि L3 हॉस्पिटल हमारा बनारस BHU में है और उसमें इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके लिए जो हमारे कोविड पेशेंट थे जो सही हुए हैं, उन सभी को हम लोगों ने उनकी निगरानी लगातार स्वास्थ्य की कर रहे हैं कि कहीं उनमें ऐसे कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, और चूंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है इसलिए अर्ली डिटेक्शन इसका बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सभी की मॉनिटरिंग करते हुए डॉक्टर्स को भी इस संबंध में जो हमारे एक्सटेंडेड फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को इस संबंध में अवेयर भी किया जा रहा है। क्या व्यवस्था की जा रही है ब्लैक फंगस को लेकर चूँकि ब्लैक फंगस का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा उसमें नए सिरे से चूँकि आया हुआ है और उसके लिए जो है जो हमारी एक्सपर्टीज़ है वो BHU में उपलब्ध है और चूँकि मंडल में ही वहाँ ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, तो अभी जो केसेस भी कम हैं और उसमें जो भी मैन पावर की ट्रेनिंग डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करवानी है वो BHU के सपोर्ट से हम लोगों को प्राप्त होगी, जिससे कि ब्लैक फंगस का हम लोग जल्दी से त्वरित इलाज लोगों का कर सकें। अभी जो चुनौती है वो ये है कि जिसमें भी लक्षण आए वो इन लक्षणों को हम लोग शुरुआती दौर में ही उसको जान पाएँ, इसलिए जो भी हमारे कोविड पेशेंट सही हुए हैं उनमें हम लोग इनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं कि कहीं ये सिम्टम्स उनमें दोबारा उभर तो नहीं रहे हैं। कोविड के लिए तीसरी लहर के लिए किया जा रहा है इंतजाम है, जिसमें बच्चों के लिए थोड़ा सा भय बना हुआ है, संख्या ज्यादा होगी इसलिए हमें बच्चों के डॉक्टर का 8 डॉक्टर हमारे एक टीम बना दिया है।